आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज के चैनल पे। मैं हूँ रिजवान खान और आज हमारे मेहमान फराज खान साहब हैं। फराज खान साहब को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, इस इलाके के नामी सोशल एक्टिविस्ट में इनकी गिनती होती है। और सबसे बड़ी बात, जो आज करंट पोजीशन इनकी देखी जाए तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं आज़मी के, बहुत लोगों के बीच में रहते हैं। सर, हमारा एक कैंपेन चल रहा है, ओखला को बेहतर बनाना है। ओखला को बेहतर बनाने के लिए हमें आपकी तरफ से कुछ सजेशन चाहिए, क्योंकि लोग आज भी बहुत नाराज़ हैं। लोग बड़े पैमाने पर जाम लग रहा है ना, क्राइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी वास्ता रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन डेड है ओखला का, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही है। आप कुछ रोड को लेकर, सबसे पहले कि भाई कंडीशन जाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँगा कि एक दो सजेशन आप दें जिससे जाम कम किया जा सकता है ओखला का। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत पॉइंट की बातें उठाई और ये आपका इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है, इसकी मैं तारीफ़ करूँगा। और आप सबके पास जा रहे हैं और इस इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं रोड का जो है। और पहली चीज़ आपने अपोजिशन की कही, तो अपोजिशन पे मैं ये कहना चाहूँगा, ज़रूर अपोजिशन को सामने आना चाहिए, सिर्फ चुनाव के वक्त पे नहीं, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो परेशानियाँ इलाके की उठ रही हैं उस पर अपोजिशन को खड़ा होना चाहिए और बहुत मुस्तैदी से, सख्त तरीके से इसमें अपोजिशन को बाहर निकल के आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने कही रोड, रोड की हालत तो इतनी बदतर हो चुकी है। मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ देखे कई सारे सोशल एक्टिविस्ट के साथ, उसमें सब ने ज़्यादातर रोड को तवज्जो दी है कि रोड की हालत की वजह से जो ट्रैफिक जाम हो रहा है और जो बच्चों को सुबह में स्कूल जाना होता है, वापस आते हैं बच्चों के स्कूल की टाइमिंग्स है उस वक्त, उसमें एक एक घंटे की देरी हो रही है घर पहुँचने में। तो जो बेसिकली रोड जो हैं, अब MLA साहब उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं, होर्डिंग्स भी लगे थे मैंने देखे, और हम चाहते हैं उनसे, क्योंकि वो इलाके के सरपरस्त हैं इस वक्त, लोगों के चुन के नुमाइंदे हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है इन रोड्स को बनाने की। तो उनसे हम कहेंगे भी, और मैं यहाँ से भी उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो रोड पे बहुत सख्त तरीके से जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करें कि किस वजह से ये रोड्स रुके हुए हैं और कब तक बन पाएंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ये तिकोना पार्क वाला रोड है, वहाँ कई इंस्टीट्यूट्स हैं, कई बच्चे जाते हैं, वहाँ इतने वक्त लग रहा है रोड बनने में, पता नहीं क्या वक्त कि कितना वक्त चाहिए, मतलब इसको बताने वाला कोई आगे आएगा, और आएगा तो कब आएगा, वहाँ खड़े होके कभी किसी ने बयान नहीं दिया है, बाकी और चीज़ों पे बहुत बयानबाजी चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि रोड्स पे तो बहुत जल्द से जल्द इसको इनिशिएट करना चाहिए। दूसरी चीज़ रिजवान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, कि बड़े चौराहे हैं वहाँ पे ज़िम्मेदारी से वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, वहाँ पे कुछ लोगों को रखें, ट्रैफिक वालों को भी रखें जो लोग मैनेज कर रहे हैं उस ट्रैफिक को। जाम हटाने में दिक्कत बहुत है, नॉर्मल इलाके के RWA के लोग और वो उनसे खड़े होकर मैनेज नहीं हो पाता है। तो बेसिकली हमें पुलिस की भी ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ के हमारा साथ दें इस चीज़। रजा भाई, हमारा दूसरा, फिराज भाई, हमारा दूसरा सवाल आपसे होगा कि जो फंड है वो लगता है कि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है इलाके में, दूसरी जगह पर फंड इस्तेमाल हो रहा है। भाई, 4 साल होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, भाई रोड्स तो कम से कम दें। ये लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि हेल्थ पर बहुत अच्छा काम किया है, एजुकेशन पर, नो डाउट वो करना था आपको, इसीलिए कांग्रेस को बदल के आम आदमी पार्टी को लाया गया। अगर आप हेल्थ और एजुकेशन को ध्यान दे रहे हैं और रोड्स को, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर तो वही हेल्थ का इश्यूज हो गया, वही एजुकेशन का हुआ, लोगों बच्चे एक एक घंटा दो दो घंटा घर, तो कहीं ना कहीं रोड और ट्रांसपोर्टेशन को तो सबसे पहला प्रायोरिटी मेरे हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, रोड देखिए, मैंने रोड पर इतनी बात कर ली, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ठीक है, लोगों ने चुना, अच्छी बात है, 4 साल से काम कर रहे हैं, मगर काम दिखना चाहिए। काम दिखेगा ही नहीं तो आपने करा क्या? आप आगे आके बताइए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब सामने कैमरे के आते नहीं है, बोलिए सोशल मीडिया पे, लोगों को बताइए क्या काम करा है, अगर काम किया है तो वो दिखेगा। नहीं तो कांग्रेस क्यों चुप है, कांग्रेस बाहर क्यों नहीं आ रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या ओखला में पस पड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं निकल रहे? आप क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आप अपील कीजिए कि बाहर आए, रिक्वेस्ट करें, आम जनता परेशान है। मीडियम से कहना चाहूँगा, मैं इस मुहिम में आपके साथ हूँ और सारे कांग्रेस के जितने भी यहाँ पे बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, राज्यसभा से लेके और लेजिस्लेटिव असेंबली तक के लीडर्स हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ इस चीज़ में। और कांग्रेस की नई ब्लॉक कमेटी भी यहाँ गठित हुई है जो नई सिस्टम में आई है, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँ कि अपोजिशन को मजबूत करा जाए, एकजुट लाया जाए और इसमें सख्ती से कार्रवाई करी जाए कि क्यों इलाके को इतना पिछड़ा हुआ करा जा रहा है।
प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज की कोशिश यही है कि आम लोगों को राहत मिल सके, और हमारी कोशिश, हम विधायक से भी बात करेंगे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम सोशल एक्टिविस्ट से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं कि हर हालत में, क्योंकि जनता को परेशान नहीं होना है, हमारा मकसद जनता की भलाई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज।